नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल विश्वकर्मा आप लोगों को रिपन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कंटिन्यू पंचायत सहायक पे वीडियो बना रहा हूँ, हर एक अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। और आज का अपडेट ऐसा है, एक बहुत ही ज़रूरी नोटिस, सभी पंचायत सहायकों के एक बहुत ही ज़रूरी नोटिस। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, जिसमें अपने बहुत ही बड़ी फायदे की बात कही गई है। फायदे मतलब कि अभी हम सभी लोग सैलरी की तलाश में हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उस नोटिस को आप लोग सुनिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, अब कितना देर हो सकता है, सैलरी कब तक मिलेगी। आपको A to Z सब क्लियर हो जाएगा। तो इस नोटिस को आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वॉइस आप सुनिएगा कि आखिर उसमें मैडम बोल क्या रहे हैं। तो सभी सभी ब्लॉक स्तर के लिए ये नोटिस है। बहुत लोगों का बहुत तरीके से क्यूरी है और मैं उसको भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और मैं उस वॉइस को लगा रहा हूँ, उसको आप लोग सुनिए। समस्त सचिव ध्यान दें, क्योंकि मैंने वीसी रखी थी लेकिन अगर मैं ब्लॉक वाइज वीसी करती तो काफी टाइम लग जाता, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि करना क्या है। कोविड निगरानी समिति का गठन करना है, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में है, क्योंकि हमारे स्टेट से टीम आ रही है, उसमें सीनियर IAS मैम मीना शर्मा है और वो निगरानी समितियों की सक्रियता को जांच करेंगी। तो अभी जो हमारा नया शासनादेश आया है, जो हमारे ACS सर ने निकाला है, उसके हिसाब से जो निगरानी समितियां बन रही हैं उसके अध्यक्ष प्रधान जी हैं और पंचायत सहायक जो हमारी नई भर्ती हुई है उनको सचिव बनाया गया है और ग्राम पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक, आशा, ये लोग सदस्य के रूप में है। पूरी लिस्ट इंक्लोज है, मैंने लेटर भिजवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं सबको यही निर्देश देना चाहती हूँ कि समितियों को एक्टिवेट कर दीजिए। आपको ये कंफर्म करना है कि समिति के पास पल्स ऑक्सीमीटर हो और उनके पास थर्मल स्कैनर हो और रजिस्टर भी आप मेंटेन कर लीजिए। समिति के प्रत्येक सदस्य को यह पता होना चाहिए कि निगरानी समिति का कार्य क्या है, उसमें कार्य का भी उल्लेख है। जैसे आपको ट्रेस करना है, कोई व्यक्ति बाहर से आया है, कोई होम आइसोलेशन में है, कोई क्वारंटीन है, उनका थर्मल स्कैनर किया गया है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको करना है। और इस बार एक लिस्ट में चीज और बढ़ाई गई है, जो आप हमको प्रोफॉर्मा पे न्यूज सेंड करेंगे, जो भी प्रोफॉर्मा है आपके पास, उसमें ये भी है कि अवशेष व्यक्तियों की संख्या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवशेष व्यक्तियों की संख्या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, इनकी भी सूचनाएं आप हमें उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी पंचायत सहायकों और सचिव को बहुत क्लियर हो गया होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों को एक्टिवेट करना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही छम में नहीं होगी, क्योंकि निर्वाचन है और आपको पता है कि ऐसी स्थिति में कोविड के इतने संक्रमण भी रोज आ रहे हैं, तो आप लोग एक्टिवेट हो जाइए। जहां पर केस मिलता है वहां पर आपको सैनिटाइजेशन कराना है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुक्रवार को मास लेवल पे सैनिटाइजेशन होगा, एक दिन मैंने निर्धारित कर दिया है और उस दिन हो जाना चाहिए। तो सभी सचिव साहबान इसकी तैयारी कर लें और अपने पंचायत सहायकों को भी निर्देश दे दें कि निगरानी समिति में वो क्या क्या करेंगे। और मुझे जो थर्ड पॉइंट कहना था, पंचायत सहायकों का दिसंबर माह का जो मानदेय है वो आप आज दे दीजिए उनको, कल हमारे ADO साहब प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। तो कल किसी भी हालत में कल तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर भेजना है, DD सर को हमें 13 को भेजना है और 15 को हमें ACS सर को भेजना है, तो इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और एक थर्ड था हमारा, जो VC में काफी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि हमारे पंचायत सहायक ने ज्वाइन कर लिया है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है और इस हेतु पंचायत भवन की स्थापना भी कर दी गई है और जहां पर है, जहां पर आप वैकल्पिक में कराते हैं, तो सभी पंचायत सहायक 10 से 5 वहां पर उपस्थित हो, उनको होना है वहां पे और ये सचिवों की जिम्मेदारी है। मैं सभी सचिवों से ये बोलती हूँ कि इसका एक आप वीडियो कॉल करके प्रोफॉर्मा पे अपने ADO पंचायत को भेजेंगे और वो प्रतिदिन हमें ये सूचना भेज। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है कि कल तक तो सैलरी कन्फर्म ही है, क्योंकि सैलरी में अब थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और ना ही सिस्टम में। सिस्टम बोले तो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम भी अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है और आप सभी लोगों को 10 से 5 जो टाइमिंग बैठना ही बैठना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं लंच का टाइमिंग, तो इसी में बीच में आप लंच कर सकते हैं, लंच बॉक्स लेकर जाइए। लंच करने में क्या मतलब है, आप 10 मिनट 5 मिनट वहाँ लोगों को थोड़ा बाहर रोक दीजिए, फिर आप लंच करिए, कोई दिक्कत नहीं, लंच आप कर सकते हैं। खाने पीने के लिए कोई आपकी रोक नहीं है, आप खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और हाँ, ये एक बात और है, मैंने बताया था कि पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में आप लोगों का अकाउंट नहीं होना चाहिए सैलरी के लिए, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे सीधा सीधा मना किया गया है। तो फिर आप लोग ज़रूर दूसरे अकाउंट में खाता खुलवा कर उसका ही डिटेल दें, नहीं तो फिर आपकी सैलरी फंस सकती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा।
और इसके साथ ही साथ और भी लोगों को मानदेय से रिलेटेड बहुत सारे दिक्कतें हैं, जैसे कि कानपुर देहात के साइड के पहले से ही मानदेय चालू हो गया था, अक्टूबर का भी मानदेय मिला था, लेकिन उन लोगों का अब अक्टूबर का मानदेय दिसंबर में भरपाई किया जाएगा। यानी कि सबका मानदेय जिसने काम किया है नहीं किया है उनका सबका बराबर हो गया है, यानी दिसंबर से जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सबको दिसंबर से सैलरी दी जाएगी, तो उनका अक्टूबर का मानदेय काट करके दिसंबर में भरपाई किया जा रहा है। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा जिस भी टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक यदि आप और भी जानकारी चाह रहे हैं तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे हैं इनमें से किसी भी वीडियो को आप टच करिए, पूरा अच्छे से मिलेगी जानकारी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक करेंगे तो फिर मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में।